हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के एक ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे जिसका नॉलेज टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूज़र को या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो उसको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो हमारे सामने दो डेट हमें परचेज वाउचर में मेंशन करनी पड़ती है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो एक हमारी जो मेन डेट और उसके बाद में सप्लायर इनवॉइस के आगे भी आपने देखा होगा एक डेट हमें यहाँ पर भी पोस्ट करनी होती है। तो दोस्तों, केवल परचेज वाउचर ही ऐसा वाउचर है टैली सॉफ्टवेयर में जहाँ पर हमें दो बार डेट है जो पोस्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम टैली सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर, पेमेंट रिसिप्ट या परचेज वाउचर के अलावा कोई भी अगर वाउचर की एंट्री हम करते हैं तो हमें केवल सिंगल डेट ही देनी पड़ती है जो कि हमारी मेन डेट होती है। जैसा कि अगर हम पेमेंट वाउचर पे जाएं तो पेमेंट वाउचर में हमारे से केवल यहाँ पर सिंगल डेट ही मांग रहा है, जबकि जैसे हम परचेज वाउचर पे जाते हैं तो दो डेट हमें यहाँ पर देनी होती है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर आके एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है कि यहाँ पर मुझे कौन सी डेट मैंसन करनी है और यहाँ पर मुझे कौन सी डेट मैंसन करनी है। तो दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूज़र हो तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इन दोनों डेट्स का मतलब जानेंगे भी आखिरकार इन दोनों का मतलब क्या होता है और हमें मेन डेट में क्या पोस्ट करनी होती है और इस डेट के अंदर हमें कौन सी डेट है जो डालनी होती है। प्रैक्टिकल इस वाउचर के थ्रू हम सभी को प्रैक्टिकल तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके साथ में ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो सारा डाटा हमें वाउचर के थ्रू ही पोस्ट करना होता है। जैसा कि हमारे पास विजय ट्रेडिंग कंपनी से हमने कोई गुड्स परचेज किया है और जब हम इस वाउचर की एंट्री हमारे टैली सॉफ्टवेयर में जब हम परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं, वाउचर पर हम जाएंगे और उसके बाद में हम बेसिक जो इसका इनवॉइस नंबर है वो हम पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद में जो हमारी डेट है मेन डेट उसको हम F2 से यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास जो ये डेट है वो है 1 अगस्त 2021। अब कई बार हम करते क्या है, जल्दबाजी के अंदर F2 डेट किया और 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त 2021 एज पर वाउचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस वापस दे देते हैं और यहाँ पर भी 1 अगस्त इस मेन डेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। तो दोस्तों, अब यहाँ तक तो था बिल्कुल सिंपल, लेकिन अब बात आती है भी यहाँ पर डेट 1 अगस्त आ गई, यहाँ पर भी 1 अगस्त आ गई, तो दोनों डेट का फायदा क्या हुआ। दोस्तों, फायदा ये होता है, अब जैसा कि हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स परचेज किया है और इनवॉइस की जो डेट है वो है 1 अगस्त 2021। दोस्तों, अब कई बार होता क्या, मान लीजिए ये आपकी जो सप्लायर है यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी की है, ये आपसे 500-700 किलोमीटर दूर है। तो अब जैसी बात है भी अगर 1 अगस्त 2021 को जो आपके पास जो सामान बिलिंग जो हुई है वो 1 अगस्त के बजाय आपके पास 2 अगस्त या 3 अगस्त को ही पहुंचेगी, अगर वो 500-700 किलोमीटर आपसे दूर है तो। अगर इतनी दूर से है तो सेम डेट के अंदर पहुँचना बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है। तो दोस्तों, अब इनवॉइस की डेट कंपनी से निकल चुका है 1 अगस्त 2021 को, लेकिन आपके पास जो सामान पहुंचा है वो पहुंचा है 4 अगस्त 2021 को। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, जिस दिन हमारे पास सामान हमें डिलीवर हुआ है यानी कि हमारे पास गुड्स हमें प्राप्त हुआ है वो डेट हमें यहाँ पर जो हमारी मेन डेट है वो यहाँ पर डालनी होती है। अब मान लीजिए आपके पास 4 अगस्त 2021 को वो सामान आपके पास पहुँचा, तो हम F2 करके 4 अगस्त 2021 करेंगे और यहाँ पर हमें वो डेट पोस्ट करनी होती है जिस दिन इनवॉइस आपकी हुई है। इनवॉइस कब हुई है, 1 अगस्त 2021 को, तो हम वो डेट यहाँ पर हम मेंशन करते हैं भी 1 अगस्त 2021 को बिलिंग हुई है और हमारे पास जो गुड्स हमें प्राप्त हुआ है, हमें रिसीव हुआ है, वो 4 अगस्त 2021 को हुआ है। दोस्तों, अब कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं लगता कि हमारी मेन डेट क्या चल रही है और यहाँ पर हम क्या डेट पोस्ट कर रहे हैं। अब ये वाली जो डेट है आपकी, इस डेट की पहले की होनी चाहिए। अब जैसा कि हमारी 4 अगस्त मेन डेट है और 1 अगस्त हमारा बिलिंग डेट है, तो हमारा कर्सर इजीली आराम से आगे चला जाएगा पार्टी के अकाउंट नेम पे। अब मान लीजिए आपकी मेन डेट तो आपने यहाँ पे डाल रखी है 4 अगस्त 2021 की, यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, 5 अगस्त कर दिया, तो आपका कर्सर जो आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अब ये सॉफ्टवेयर ये कह रहा है भी
आपके पास जो माल है वो तो 4 अगस्त को ही आ चुका है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है भी उस इनवॉइस की जो बिलिंग है वो 5 अगस्त को हुई हो। आप समझने की कोशिश करें भी 4 अगस्त को आप इनवॉइस की एंट्री कर रहे हो तो उसका इनवॉइस 5 अगस्त को नहीं बन सकता। 4 अगस्त अगर आपके पास एंट्री मेन डेट है, 4 अगस्त को आपके पास गुड्स आपके पास रिसीव हुआ है तो आप 4 अगस्त यहां पर दे सकते हो। 4 को पहुंचा तो हो सकता है वो इनवॉइस 3 तारीख का बनाओ, 2 तारीख का बनाओ, 1 तारीख का बनाओ, तो आप इससे पहले की डेट यहां पर हम डाल सकते हैं, इससे मेन डेट की आगे की डेट यहां पर आपके पास जो रिसिप्ट नहीं करेगा। 6 अगस्त 2021 की करें तो कर्सर आगे नहीं जा रहा है, अगर हम 4 अगस्त करेंगे तो आ जाएगा, अगर हम 3 अगस्त करें तो भी ले लेगा। यानी कि ये जो डेट है वो आपकी इनवॉइस की डेट यहां पर पोस्ट आपको करनी होती है, और ये जो डेट है मेन डेट जो कि हम F2 से चेंज करते हैं, ये आपके पास जिस दिन आपके पास माल रिसीव है वो डेट हमें यहां पर पोस्ट करनी होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।